हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अगेन मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ। कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने ली थी, जिनको मैंने पहन के देख लिया है, जिनकी क्वालिटी समझ में आ गई है, एक दो बारी वॉश भी कर लिया कुछ साड़ियों को, और उनके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि उनके कलर निकले या नहीं निकले। ऐसा तो नहीं कि कलर निकलते हो, क्वालिटी कैसी रहती है, एक दो बारी पहनने के बाद कैसे हो जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक दो साड़ी की आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कहाँ से ली कहाँ से ली, तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कहाँ से ली। तो आज मैं मीशो साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, एंड आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगी क्योंकि ये पार्टी वेयर साड़ी है, आप इसे आराम से पार्टी में पहन सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर कर देती हूँ। तो वेरी फर्स्ट जो मेरे पास साड़ी है वो ये पिंक कलर की ये वाली साड़ी है, जो कि पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का सितारा वर्क मिल जाएगा इस तरीके से, एंड ये आप किसी भी पार्टी में आराम से पहन सकते हैं। पूरी साड़ी पे आपको इसी तरीके का सितारा वर्क मिलेगा। पिंक कलर का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाएगा, इसमें ये पट्टी मिल जाएगी इस तरीके की, तो आप चाहें तो लगवा सकते हैं। तो पिंक कलर का ये ब्लाउज है, पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरीके से, पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का सितारा वर्क मिलेगा। साड़ी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, साड़ी जॉर्जेट की है, और इसमें आप इस तरीके से वर्क रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड ये रात में अगर आप इसे पहनते हो तो जिस तरीके से चमक रही है इसी तरीके से ये चमकेगी और आपको भी चमकाएगी। सो ये साड़ी फर्स्ट मेरे पास है, एंड इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कि उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड साड़ी की तरफ, जो कि अगेन पार्टी वेयर साड़ी है, और वो है ये वाली साड़ी। तो जब मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी तो आप लोगों के इतने भर भर के कमेंट आए, दी ये साड़ी आपने कहाँ से ली कहाँ से ली कहाँ से ली। तो भैया आज मैं बता देती हूँ कि ये मैंने मीशो से ली थी, एंड ये भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत साड़ी है, फुल पार्टी वेयर साड़ी है, और आपको कुछ इस तरीके से ये पूरी साड़ी मिलेगी इस तरीके से। सो ये आपको पूरी साड़ी इसी तरीके से मिलेगी। इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये जो साड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, नेट की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। जब आप इसे पहनोगे ना तो बहुत शाइन मारोगे आप भी। एंड ये साड़ी थोड़ी सी कड़क कपड़े में है, लेकिन मुझे इस टाइप के कपड़े की साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो ये साड़ी पूरी ओके होके आई है मेरे पास। पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके का वर्क मिलेगा, पल्लू पे आपको ये पल्लू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो पूरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसको मैंने वॉश कर दिया, उसके बाद भी ये जो इसमें मोती दिख रहा है ना, गोल्डन के गोल्डन है, ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक हो रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि ये भी कई बारी हो जाता है किन्हीं साड़ियों के साथ, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सेकेंड वन है ये, इसका प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थर्ड साड़ी मेरे पास है ये एक साड़ी, जो कि मैंने पहन के देखी है, इसको मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने इसको सिलवाया या कुछ भी किया, मैंने नहीं किया है। और जो सितारा वर्क की साड़ी है वो भी मैंने नहीं पहन के देखी, ये वाली मैंने पहन के देखी है, और ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है। एंड ये मुझे अभी रिसेंटली रिसीव हुई थी। इस कलर की मेरे पास एक और साड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा इससे सिमिलर थी, लेकिन वो अब मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये वाली मंगवा ली। एंड ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्लस इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है, एंड ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लगेगी, इसी वजह से मैंने मंगाया है। और ये पूरी साड़ी प्लेन है इस तरीके से, बस इसे बॉर्डर आपको मिल जाएगी ऐसी वाली, बाकी पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलने वाली है, एंड ये लाइनिंग मिल जाएगी। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है लाइनिंग के साथ। उसके बाद आपको इसमें ग्रीन कलर का ब्लाउज मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, बॉर्डर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, बाकी पूरा ब्लाउज ग्रीन होने वाला है। गोट लगी है इसमें ग्रीन कलर की, ये भी बहुत ही प्यारी सी लग रही है। क्वालिटी की बात करूं तो ये सना सिल्क का कपड़ा है, क्वालिटी इसकी बहुत ही अमेजिंग है, एंड ये वॉश होने के बाद भी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये साड़ी भी अच्छी है, लेकिन आप ले सकते हैं आप लेना चाहें तो। थोड़ा बहुत अगर ये झड़ेगा तो, वैसे तो ये झड़ता नहीं है, आप देख सकते हैं मेरी फिंगर पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे डाउट हुआ था जब आई थी, लेकिन अभी ये नहीं निकला है, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी फोर्थ वन साड़ी की तरफ, जो कि मैंने पहन के भी देख ली है, वो है ये वाली साड़ी। एंड ये वाली साड़ी शायद मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ, साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है, इसमें इस तरीके की व्हाइट कलर की मोती मिल जाते हैं, पूरी साड़ी ये नेट की साड़ी है इस तरीके से, इसका मैंने ब्लाउज भी ओके करवा लिया है, मैंने ये पहनी है, ब्लॉग वगैरह में शेयर नहीं कर पाई, इसको मैंने पूरा रेडी करवा लिया। ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी है पहनने पर, इसका लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, एंड ये साड़ी सच बताऊँ ना क्वालिटी वाइज बहुत ही अमेजिंग है, प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली तो मस्ट मस्ट
वन है, बहुत अच्छी साड़ी है और क्वालिटी तो है ही इसकी अच्छी। स्क्रीन पे आप इसका लुक भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने एक सिंपल साड़ी ली हुई है, ये वाली डेली यूज के हिसाब से। इस टाइप की साड़ी वहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत सारे कलर में है, इवन जितनी भी मैंने साड़ी दिखाई सबके कलर है, एक से एक कलर मिल जाएंगे आपको। तो ये वाली जो साड़ी है ना, इसके भी बहुत ज्यादा कलर थे, तो मैंने ये एक वाली साड़ी एक ये वाली साड़ी ली। इसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड प्लस ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, डेली यूज के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको इस तरीके का ब्लाउज मिल जाएगा। इस टाइप की साड़ी मैं ऑलरेडी मीशो से कई सारी ले चुकी हूँ। एक तो मेरे फिलहाल ही मेरे पास एक ब्लू कलर की साड़ी है जो कि मेरे ससुराल में रखी हुई है, वो साड़ी भी बहुत ही बढ़िया है एंड इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। ये शिफॉन है, प्योर प्योर शिफॉन है। बट शिफॉन की साड़ी के साथ सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है जो कि है कि शिफॉन की साड़ी जब आप दो तीन बार वॉश करते हो ना तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, फिर आप उसे ब्रश करो पेपर लगा के तभी वो ब्रश होती है, और डायरेक्ट ब्रश कर दोगे तो जल जाएगी साड़ी क्योंकि बहुत पतली होती है ना शिफॉन इस वजह से। एंड ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज अच्छा लगा मुझे, मुझे लगता है कि ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, अस्तर लगवा के आप आराम से इसे सिलवा सकते हो, ब्लाउज का कपड़ा तो बढ़िया है ही। उसके बाद मैंने वहाँ से कुछ मास्क मंगवाए हुए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, शादी वादी के चक्कर में मैंने मंगवा लिए थे कि साड़ी वगैरह पे इस तरीके के मास्क अच्छे लगते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ये मेरे साइज से बड़े तो नहीं आ गए, मेरा फेस तो छोटा सा है, बाकी नहीं पूरा कवर हो रहा है। ये देखिए तो ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के मास्क हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, इवन बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो ये मैंने तीन मंगवाए हुए हैं, एक ये है, एक इस डिज़ाइन में है, ये इस डिज़ाइन में है, तो ये तीन है। इनमें छोटे छोटे से सितारा काम किया गया है, पूरे मास्क तीनों मास्क में सितारे का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात ये पूरा फेस इस तरीके से कवर कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा ये बड़े होंगे लेकिन नहीं, मैंने आपको पहन के दिखा दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सो ये तीन मेरे पास मास्क हैं। उसके बाद मैंने मंगाए हुए हैं दो पर्स, शादी ब्याह में जाना है और आपको मैचिंग का कुछ पहनना है तो फिर उस हिसाब से सही रहते। तो ये जो दो पर्स हैं, एक मैंने मंगवाया हुआ है गोल्डन कलर में और एक मंगवाया हुआ है रेड में। ये कॉम्बो मिल रहा था और कॉम्बो में ये अफोर्डेबल मिल रहे थे तो मैंने मंगवाया है। तो पहला फर्स्ट वन तो मेरे पास ये है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा पर्स है एंड इसके अंदर आपको चेन मिल जाती है टांगने वाली, अगर आप इसे टांग के टांगना चाहते हो तो टांग सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हैंग करके ऐसे, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसमें आराम से आपका मोबाइल, आपके कुछ कैश और कार्ड वगैरह आराम से आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं। तो शादी ब्याह के लिए मैचिंग के हिसाब से अच्छा है और गोल्डन कलर तो आई थिंक सारी ही साड़ियों पर चल जाता है। तो एक गोल्डन वन मैंने मंगवाया हुआ है और इसी के साथ ये रेड वाला आया था तो ये भी मुझे बहुत सही लगा था तो इस वजह से मैंने ये वाला मंगवा लिया। इसका कपड़ा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है हाथ घुमाते रहे। तो इसमें भी अगेन जैसे कि मैंने बोला ना कि इसमें आपको चैन मिल जाती है तो अंदर में आपको इसमें भी इस तरीके से एक चैन मिल जाएगी जैसे आप इसमें फंसा के आराम से टांग सकते हैं। एंड इनकी क्वालिटी बढ़िया है, प्राइस के अकॉर्डिंगली तो बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैंने मंगवाया हुआ था। तो ये जो चीज़ें मैं मंगवाती हूँ या लेती हूँ और अगर मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं आसानी से इन्हें रिटर्न भी कर देती हूँ। अब जैसे कि कोई भी एक भी व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि मीशो क्या है, मीशो इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप है जहाँ से बिजनेस कर सकते हो, खुद के लिए प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और खुद के लिए प्रोडक्ट बाय करके बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने लिए लिया और आपको दिखा दिया तो वो मेरा एक बिजनेस हो गया, मतलब खुद की भी चीज़ हो गई और दिखा के एक बिजनेस भी कर लिया मैंने, तो आप ये भी कर सकते हो। अब जिन्हें नहीं पता है कि मीशो के साथ शॉपिंग कैसे करनी है तो एंड में मैं एक मिनट की क्लिप लगा रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है मीशो के साथ बिजनेस प्लस शॉपिंग करना। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। सो गाइज, आप मीशो ऐप से कैसे शॉपिंग करें चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं उन सब की आपको डिटेल यहाँ पर दिख रहे होंगे और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। मान लीजिए आपको कुछ लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये चॉपर लेना है, ये देखिए 199 रुपीज़ का है, फ्री शिपिंग है, इस टाइम पर कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है गाइज़,
एड टू कार्ट कर दीजिए आप इसे फ्री साइज़ में। और एड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी से चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोशीट कर दीजिए। प्रोशीट के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना मार्जिन रखिए, तो यानी कि 250 रुपये कर दीजिए, तो 51 रुपये जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो कि आपका 8 रिटर्न डेज के बाद मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो 199 कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे आप जिसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, सेव एड्रेस कर दीजिए, और सेव एड्रेस के बाद अगेन आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड कर देना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी। सेफ्टी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई है। जैसे कि ये लोग ने, मैंने आपको बताया था कि ये डोर स्टेप ड्रॉप है, डिजिटल पेमेंट एवरीवेयर, नो फिजिकल सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। साथ ही एम्प्लॉय हाइजीन, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी तरीके से हाइजीन रखना पड़ रहा है, वर्क प्लेस हाइजीन, साथ ही रेगुलर टेम्परेचर चेक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ अच्छे से है।